बेबी आप कितने कूल हो और मैं तो हॉट हूँ ही। हाँ बच्चे गुनगुने पैदा कर लेना। Oh, shit! Oh. लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद। मैं उसको हाँ करूँगा जो मुंह धोके मेरे सामने बिना मेकअप के आएगी। Oh, shit! Oh, हिम्मत ही नहीं है चिमकांडियों में। जूस मी मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है तो यार केक खाओ यार। हेलो माँ। हाँ अरे जिस केक में छिपकली नहीं निकली थी मरी हुई, हाँ वो मैंने दो चिमकांडी सी शक्ल वाली को खिला दी। हाँ घपा कब खा रही है। हाँ, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। पर बेशरम है, हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोला। बेबी आज मैं शादी में कौन सा कोट पहनूं? पेटीकोट। ओह शिट। बेबी मेरे को दर्द हो रही है यहाँ पे। अब ठीक है मेरा बेबी? हाँ जी ठीक है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बेबी मैंने जरा पानी पी के आई, आप ना इसका ध्यान रखना। अरे बेबी इसका तो मैं गा, सॉरी जान से भी ज्यादा ध्यान रखूं। मैं अभी आई। A few moments later. Name is John C. बेबी माफ कर दे, आज के बाद टेडी को कभी नहीं छूंगा। बेबी भाई और तू संडे खेलते हैं? हां खेलते हैं। की डेयर डेयर चल ठीक हो तो एक डेयर है आसिमा, इसका प्रपोज करो आप। अरे क्या बात है, नया DSLR ले लिया। अबे तेरा भाई प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। अभी मैं हुलुलुलु गया था, वहाँ मैंने दीपिका हादुकोल, कैटरीना शेफ, प्रियंका भाई अपनी फोटोग्राफी की है, तो भाई मैं बहुत अच्छी फोटो खींचूंगा। जा जा मैं तेरी फोटो खींचता। अबे इसमें कुछ दिख क्यों नहीं रहा, काला काला आ रहा है। अबे नहा के नहीं आया क्या? बे यार तुम चोर बाजार से कैमरे ले लेते ना तभी होता है। सस्ते कैमरे लेते हो, कुछ पता नहीं है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है नहीं तो। ओ अरे यार मेरे ना दुबई वाला कैमरा है ना, तो उसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, पता नहीं। तो यार मैं आज आपको एक सिंगल लड़के की स्टोरी सुनाऊंगा यार। वो मतलब इतना सिंगल था ना, दिन दहाड़े सिंगल था। नहीं मतलब उसके घर में भी ना बेड जो था ना डबल बेड नहीं था, सिंगल बेड था। इतना सिंगल था वो, मतलब लड़की उसको हाय तो क्या गाली भी नहीं देके जाती थी, ऐसा सिंगल था। तो एक दिन ना उसने एक लड़की को देखा, तो उसको लड़की वो बहुत पसंद आ गई। तो उसने देखते कहा ओ ये तो मेरे वाली लड़की है, तो उसने कहा इसको जाके प्रपोज करूंगा। तो वो जैसे उसके पास गया तो उसने प्रपोज करा, तो उसने बोला क्या मेरे बच्चों की टट्टियां साफ करने वाली बनोगी? तो उसने हाँ कह दिया। वो फूला नहीं समाया, कसम से कह रहा हूं, जो पागल हो गया उसके अंदर से जो धारे चीखे निकले है ना पूछो मत। तो जैसी उनमें ना मतलब थोड़ी रोमांस वाली बातें होने लगी थी, जैसी पप्पी होने वाली थी ना सुबह हो गई। मम्मी ने कहा उठ जा कंजर, और वो सिंगल लड़का मैं हूं जो आपको स्टोरी सुना रहा हूं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, सारे मिलके हमारा फुद्दू काट रहे हैं। हेलो गाइस, तो मैं एक और मेकअप ट्यूटोरियल लेके आ गई हूं खास मर्दों के लिए, जिससे वो कतई झैर लगने वाले हैं। तो यार आधे मर्दों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनके खड़े नहीं होते। क्या बाल खड़े नहीं होते? तो यार मैं आज आपको बताऊंगी कि उनके बाल कैसे कतई झार खड़े हो जाए। तो आपको करना क्या है, आपको एक बिजली की नंगी तार लेनी है जो बिल्कुल नंगी हो, जिसने चड्डी भी ना पहनी हो। तो उसको क्या करना है, उसको ऐसे करके पकड़ लेना। तो देखा आपने क्या काम करा इसने, एकदम खतरनाक काम किया, एकदम बाल खड़े हो गए और साथ में दो टैटू भी दे दिए। तो यार अब आपको क्या करना है, आपको ना क्रीम लेनी है पून्स की। पून्स होता है, मेरे मर्द ने मेरे को यही सिखाया। तो यार ये पून्स की क्रीम ना आपको बाहर ना बाहर मार्केट में 10 रुपए की मिल जाएगी, पर अगर आप मेरे से लेंगे ना तो आपको 50 लाख रुपए की मिलेगी। तो यार देखिए बाहर कितनी महंगी है और मेरे पास कितनी सस्ती है, तो आप मुझसे लीजिएगा। उसे क्या करना है, आपको ये हाथ पे रखना है और उस पर वो टेस्ट, और उसके साथ ना हार्पिक भी फ्री मिल रहा है। अगर आपके घर में चिमकांडी रिश्तेदार आ रहे हैं ना, तो उनको ना ये हार्पिक ना सुबह शाम दो ढक्कन पिला दीजिए, सेट रहेंगे, बता रही हूँ सेट रहेंगे। हाँ नहीं तो मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ, मतलब अच्छी लग रही हूँ, तारीफ ही तारीफ। तो यार मैं अगले एपिसोड में फिर आऊंगी, बाय।
अबे छोड़ भी दे चिमकांडी हाथ, अब तेरे रोमांस के चक्कर में क्या मैं पेड़ काट दूं? जो तू सांसें ले रही है ना वो इसी पेड़ की वजह से ले रही है, इसको काट के मिली वहां से नहीं आ सकती। चिमकांडी कहीं की आनी तो जुराब को सूंघ के नशे मत करा करो इतने तुम, आनी तो मैं सर्कस का जोकर लग रहा हूँ कि जादू से निकल जाऊंगा। यार भाई जिंदगी बहुत खराब हो गई है यार। वो कैसे भाई? भाई पहले लड़की जाती थी सूट पहन के कॉलेज पढ़ने के लिए, और घर आके अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाती थी, और आजकल जीन्स पहन के जाती है और 40 लड़कों को फेल करके आती है। हाँ तो सही तो बोलो चुड़ैल, चुप रह। माँ जी पता नहीं सुबह से घबराहट सी हो रही है। अब शकुन पक्का उनको कुछ होने वाला है। माँ जी मैं सोने जा रही हूँ। क्या क्या क्या, मेरी बहू बिना मेकअप के सोने जा रही है? ये ले बिंदी लगा, ये ले लिपस्टिक लगा, ढंग से फेंको, ये ले नई जैकेट, इसे पहन के सोना, लगना चाहिए हमारी बहू सोने जा रही है। मैं भी जरा शेव कर लेती हूँ, उन्हें दाढ़ी चुभती है रात में। ये ले गोली ला। मैं फिर से आ गई। ये कैसे हुआ? पुनर्जन्म। फिर गोली खा। मैं फिर से आ गई। फिर कैसे आ गई? पुनर्जन्म। इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और हाँ प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर ना एक तरह से इम्पोर्टेंट है मेरे लिए।